बैक टू माई यूट्यूब चैनल। भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग भी खुश हों और स्वस्थ हों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने छोटे से किचन में इतने सारे आइटम्स को कैसे मैनेज किया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग भी वो हैक्स यूज़ करके अपने छोटे से किचन को और भी सुंदर और मैनेजेबल बना सकें। स्पून और फोक रखने के लिए इस तरीके के कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें अलग अलग सेक्शन बने हों स्पूंस के भी और फोक्स के भी। और जिनके पास ये नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि कुछ मग आपके जैसे टूट जाते हैं या आप कुछ वेस्ट कंटेनर आपके पास रखे होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेन बात ये है कि हमें स्पून और फोक जो है वो एक ही कंटेनर में मिक्स करके नहीं रखने हैं क्योंकि वो ज़्यादा होने के कारण कभी हमें मिलते नहीं। तरीके से उनको सेट करिए ताकि आप अपने बच्चों को भी कहें अगर उनको लाने के लिए उनको आसानी से वो चीज़ मिल जाए। मुझे तो अपने किचन को क्लीन और अच्छे तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जगह चाहे छोटी ही क्यों ना हो बस आपको अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अब बात आती है सभी नाइफ्स और कटर्स की, उनके लिए भी आप एक ही कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। नाइफ्स को आपको कभी भी सीधा करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऊपर की तरफ से शार्प होते हैं और वो उठाते टाइम पे आपको लग सकते हैं। तो जितने भी आपकी ये नाइफ आइटम्स हैं आपकी कटिंग वाली आइटम्स हैं उनको हमेशा उल्टा करके ही रखिए ताकि वो आपको हर्ट ना कर सकें और आपको ऐसे उठाने में भी आसानी होगी। फिर मैं सीज़र जो है वो भी एक हमारा कटिंग का ही पार्ट होता है तो मैं उसको भी इसी के अंदर रख देती हूँ। जगह जगह ढूंढने की बजाय तो अपना जो गैस लाइटर होता है वो भी इसी के साथ में लगा देती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जितना भी मेरा देखिए ये आइटम हो गया वो सभी एक इस तरीके से मैंने अलग से रैक पे लगा दिया है ताकि ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप भी इस तरीके के जो हैक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने बहुत सारे सामान को सेट करने के लिए। अब बात आती है हमारे यहाँ पे देखिए जितने हमारे भिगोने होते हैं चाय बनाने के लिए दूध गर्म करने के लिए आप इस तरीके से उनके सेट ले सकते हैं ताकि छोटा बड़ा जो होता है वो एक दूसरे के अंदर सेट हो जाए। के बाद जितना भी मेरा हैंग करने वाला आइटम्स होता है अगर उसके लिए बाहर स्पेस नहीं है काउंटर टॉप पे तो मैं उसको वार्डरोब के अंदर मैंने इस तरीके से हुक लगाए हुए हैं वहाँ पे हैंग कर देती हूँ जिससे वो नज़र भी नहीं आते हैं। और जितने मेरे छलने यानी ये क्लॉथ रहते हैं किचन के वो सारे इस तरह के कंटेनर में सेट कर देती हूँ। और जितने डाइनिंग मैट्स को भी यहाँ पे फोल्ड करके इन बर्तनों की साइड पे लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस एक्स्ट्रा होता है और इसको मैं इस तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। जब भी मैं अपने कोई बर्तन परचेज करती हूँ या कुछ भी मतलब किचन के आइटम लेती हूँ तो इस तरीके से मैं लेती हूँ कि ताकि वो एक के अंदर एक सेट हो जाए। बड़ा छोटा छोटा इस तरीके से अगर वो होगा तो इजीली सेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी जो है कटोरियाँ हैं और उन्होंने स्पेस बिल्कुल भी नहीं घेरा हुआ है क्योंकि वो मैंने एक के अंदर एक सेट की हुई है। ये देखिए कम से कम ये 15-20 कटोरी है जो एक ही जगह पे यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो गई है। इनके हैक्स को यूज़ करके आप भी अपने किचन को और सुंदर बना सकते हैं स्पेशियस बना सकते हैं। फिर चाहे आपका कितना भी सामान क्यों ना हो आपका मिनटों में सेट हो जाएगा। अब देखिए जो सिंक वाला एरिया रहता है हम सभी लोग अपने घरों में उसको वेस्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ सामान नहीं रखना है बट आप वहाँ पे अपना सैनिटरी आइटम जितना भी है वो रख सकते हैं। और टोकरी को अपना रखने की बजाय आप इस तरीके से हैंग करेंगे तो स्पेस कम घिरेगा। उसके बाद फिर हमारे जितने भी अप्लायंसेस रहते हैं अगर हमारा स्पेस नहीं है काउंटर टॉप पे हमारा जो स्लैब है वो काफ़ी छोटा है और नीचे जो है कवर्ड्स में यानी कि वार्डरोब्स में आपके स्पेस बचा हुआ है तो वहाँ पे आप जितना एक्स्ट्रा आइटम है आप एक टोकरी लेके उसमें रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप एज अ ड्रॉर उनको यूज़ कर सकते हैं। आप टोकरी को बाहर निकालेंगे तो आपका सामान इजीली निकल जाएगा आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये टिप्स अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप भी अपने किचन को अपने घर को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।